वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी वीडियो है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल एट चैनल आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही बना है और आपने ही इसको आगे बढ़ाया है। तो देखिए, स्टडी ट्रिपल एट जो चैनल है ये आपकी छठी से लेकर के बारहवीं तक की कक्षाओं का सिलेबस भी कवर करवा रहा है और साथ में जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो हम जो है आज लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास आठ के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को मैं लेकर के आया हूँ और पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण वृद्धि और संगठन। देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों नाम हमारे समझ में आने चाहिए, ये आखिर में है क्या। तो वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, बंटवारे को बोलते हैं, इधर उधर जो बिखरे हुए होते हैं उसको वितरण बोलते हैं। और वृद्धि आपको पता ही है, पिछली जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहते हैं, या पिछली जो स्थिति है उसमें अच्छे स्थिति का और हो जाना, उसमें स्थिति का और अच्छा हो जाना है, वृद्धि कहलाती है। तो इसी तरह से संगठन में बनावट को कहते हैं कि भाई कोई जनसंख्या है या कोई और बस्ती है, उसकी बनावट कैसी है, ये सब जो है संगठन की प्रक्रिया होती है। तो आइए देख लेते हैं, पहला प्रश्न जो है हमारा बनता है, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं, आप इसके विषय में क्या जानते हैं। जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी शहर में, किसी राज्य में, किसी देश में, उसमें रहने वाली कुल जो जनसंख्या है, जो लोगों की संख्या है, उसको जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जनसंख्या क्या है और जनसंख्या का वितरण क्या है, ये हमने देखा है कि जनसंख्या का किसी क्षेत्र में या देश में इधर उधर बस्ती बना करके बस जाना या घर बना करके रहना, वो जनसंख्या का वितरण कहलाता है। कैसे वो जनसंख्या जो है फैली हुई है, इसके विषय में हमें पता चलता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, प्रभावित करने वाले कारक है सामाजिक कारक हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक हैं, ऐतिहासिक कारक हैं और भौगोलिक कारक हैं। तो बहुत से ये कारक हैं, उनमें से मुख्य जो कारक हैं मैंने लिए हैं। तो सामाजिक कारक में कैसे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है, जब किसी क्षेत्र में किसी समाज विशेष, किसी कम्युनिटी का विशेष दबदबा रहता है, तो उसी कम्युनिटी के लोग जो है अन्य आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार करके वहां पर अपनी बस्तियां बना लेते हैं। तो ये सामाजिक कारक है और समाज में कई तरह के ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो चली जाती है, दूसरी जगह भी चली जाती है और दूसरी जगह से आ भी जाती है। तो उसको कहते हैं सामाजिक कारण जनसंख्या वितरण का सामाजिक कारण। अब है जनसंख्या वितरण का आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं और वहां पर रोजगार संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो गांव और दूर दराज के लोग वहां आकर के बस जाते हैं और अपने रोजमर्रा के कार्य करने में जुट जाते हैं। तो वहां पर जो है आर्थिक कारक जो है जनसंख्या को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में जो है कारगर होता है और जनसंख्या जो है वितरित हो जाती है, या फिर जिस क्षेत्र से वो लोग निकल करके आते हैं वहां से जनसंख्या कम होती है और जहां जाते हैं वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक जैसे कि हमारा रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा, खान पान, हमारा जो तौर तरीका है, वो सभी संस्कृति में आते हैं। और अगर यह किसी समुदाय में मैच हो जाती है तो वहां पर लोग मिल करके रहने लगते हैं। अगर किसी के साथ कोई मन मुटाव होता है और मैच नहीं होते हैं, सांस्कृतिक रूप से वो एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, तो वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है सांस्कृतिक जो बातें हैं, वो सांस्कृतिक कारक होता है ये।
अब है ऐतिहासिक कारक। कभी किसी गांव या शहर या दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में कभी पुराने संबंध जो हैं उनके अच्छे नहीं रहे हैं, द्वेषपूर्ण झगड़े या द्वेषपूर्ण संबंध रहे हैं, तो वहाँ के लोग एक दूसरे से ऐसे ही आगे भी जो है व्यवहार करते हैं। और इस तरह से उस क्षेत्र में रहने वाले उस समाज के लोग जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसके साथ वही बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर वह समाज भी बदले में दूसरे उस क्षेत्र के दूसरे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, तो वहाँ जो है ऐतिहासिक कारण बन जाता है कि पास्ट की घटनाओं पर आधारित कोई भी घटना की वजह से जो है लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार गलत करते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक कारण होते हैं और लोग जो है अपने रेजिडेंस को अपने निवास को बदल लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, और वो कहलाता है ऐतिहासिक वितरण। फिर है ऐतिहासिक रूप से वितरण के बाद हम लेकर के आए हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक भी जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब कोई अधिकतर जनसंख्या जो है वो मैदानी क्षेत्र में निवास करना पसंद करती है क्योंकि वहाँ पर सभी जन सुविधाएं होती हैं और वहाँ पर सभी तरह की उपयुक्त भौगोलिक दशाएं भी होती है। तो इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है और जो विभिन्न जन सुविधाओं से लैस हो वहाँ पर जनसंख्या अच्छे से निवास करती है और वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी बहुत ही अधिक या गहरा पाया जाता है। तो यहाँ आप भौगोलिक कारक को भी समझ सकते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या का घनत्व, जन घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जन घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के 1 किलोमीटर प्रति इकाई में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जन घनत्व कहते हैं। जन घनत्व के मामले में हमारे देश में काफी विषमताएं पाई जाती है। किसी राज्य में जन घनत्व अत्यधिक है तो किसी में मध्यम है तो किसी में निम्न है। तो इसी तरह से जो निम्न जन घनत्व वाला राज्य है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। लगभग 13 से 17 जो लोग हैं प्रति किलोमीटर निवास करते हैं तो जन घनत्व वहाँ का कम है। और दूसरी तरफ जो बिहार राज्य है यह जन घनत्व के मामले में सर्वाधिक है भारत में, 1102 लोग प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है 1050 के लगभग जो है पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी है 850 से थोड़ा सा ऊपर है, और हरियाणा है 573 जो है हरियाणा का जन घनत्व है। इस तरह से निम्न से लेकर के मध्यम से लेकर के हाई जो लेवल पर बसे हुए जन घनत्व वाले राज्य हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की दो समय बिंदुओं के बीच में होने वाले जनसंख्या के आंकड़ों के बदलावों को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और दूसरी होती है अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में जन्म मृत्यु का प्रभाव पड़ता है कि प्राकृतिक रूप से जो है लोग मरते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, तो उससे जनसंख्या की वृद्धि या घटोत्तरी का पता चलता है कि भाई कम हुए हैं या बड़े हैं, तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और अभी प्रेरित जो है वो लोगों का गमन और आगमन की वजह से जनसंख्या की जो वृद्धि है उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी जन सुविधा या किसी अन्य कारण की वजह से लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिस क्षेत्र से वो जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। तो इस तरह से अभिप्रेरित जो कारक हैं वो भी लोगों की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो
आज की वीडियो में हम पहले पार्ट में इस चैप्टर से इतना ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे और तीसरे पार्ट में हो सकता है जरूरत न पड़े, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी तो तीसरे पार्ट में इसके अभ्यास के प्रश्न हम क्लियर कर देंगे। और बने रहिए स्टडी ट्रिपल एट चैनल के साथ, आपका अपना चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।